इस ट्यूटोरियल में हम सॉलिडवर्क्स में ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप सॉलिडवर्क्स स्टार्ट कर लो, उसके बाद न्यू पे क्लिक कर दो, न्यू, उसके बाद पार्ट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दो, तो आपका सॉलिडवर्क्स का पार्ट एनवायरनमेंट जो है वो चालू हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम ये सर्कल बनाएंगे 80 डायमीटर वाला और उसको 20 का हाइट देंगे। सबसे पहले एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक कीजिए, बाद में हम सिलेक्ट करेंगे टॉप वाला प्लेन क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए ऑब्जेक्ट। बाद में सर्कल पे क्लिक कीजिए, सेंटर पॉइंट दीजिए, कर्सर को दूर लेके जाके क्लिक कर दीजिए। बाद में इसको डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, सर्कल को क्लिक करके बाजू में लेके क्लिक कर दीजिए और अपना जो डायमीटर 80 का वो डाल के एंटर कर दीजिए। बाद में ओके पे क्लिक कर दीजिए और हमको इसका हाइट चाहिए 20, तो टाइप कीजिए 20 और एंटर कर दीजिए और ओके। बाद में हम ये 15 डेप्थ वाला होल बनाएंगे जिसका डायमीटर है 60। अब यहाँ पे एक्सट्रूड कट पे क्लिक कीजिए क्योंकि हमको कट करना है, एक्सट्रूडेड कट। बाद में हमको सर्कल जो बनाना है वो इस सरफेस पे बनाना है, तो इस पे क्लिक कीजिए। बाद में वापस सर्कल कमांड लीजिए, सेंटर पॉइंट क्लिक कीजिए, सर्कल को दूर लेके क्लिक कर दीजिए और बाद में वापस स्मार्ट डायमेंशन, सर्कल को क्लिक करके वापस बाहर क्लिक करके डायमीटर दीजिए 60, एंटर और ओके पे क्लिक कर दीजिए। बाद में हमको यहाँ पे डेप जो 15 चाहिए, तो 15 टाइप कीजिए, एंटर और ओके, तो ये कट बन गया। उसके बाद हमको ये रेक्टेंगल बनाना है, इसकी जो लंबाई है वो 80 प्लस 20 प्लस 20 यानी 120 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 80 है और इसको जो हमको एक्सट्रूड करना है वो 15 से एक्सट्रूड करना है। तो वापस एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक कीजिए। बाद में अभी हमको जो रेक्टेंगल जो बनाना है वो टॉप प्लेन पे बनाना है, तो टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के लिए इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टॉप प्लेन है, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अभी हमको रेक्टेंगल सेंटर पॉइंट से बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल ऑप्शन लीजिए। बाद में सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और कर्सर को दूर लेके जाके क्लिक कर दीजिए। बाद में आप स्मार्ट डायमेंशन ये लाइन पे क्लिक कीजिए, बाहर आके क्लिक कर दीजिए और लंबाई दीजिए 120, एंटर। बाद में इस लाइन को क्लिक करके डायमेंशन डालिए 80, एंटर। बाद में इसको ओके कर दीजिए। अभी हमको एक्चुअली ये जो इसका थिकनेस चाहिए वो नीचे चाहिए, तो उसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिवर्स डायरेक्शन। बाद में हमको 15 ही चाहिए, तो 15 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको ओके कर दीजिए, तो ये बन गया। बाद में हमको ये सर्कल बनाना है और ये थ्रू सर्कल है, तो सर्कल का डायमीटर जो है वो 30 है, तो वापस हमको कट करना है, तो एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक कीजिए। बाद में ये सरफेस क्लिक कीजिए, ये सर्कल बनाइए, सर्कल का डायमेंशन दीजिए 30, एंटर। बाद में ओके। अभी हमको इसको थ्रू कट करना है, तो उस पर उसके लिए ब्लाइंड पे क्लिक कीजिए और थ्रू ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली डेप जो वो ले लेगा और बाद में ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसको ऑर्बिट करने के लिए मिडल माउस बटन या स्क्रॉल जो है उसको दबा के रखिए और माउस को हिलाइए, तो ये ऑर्बिट हो जाएगा, तो ये ठीक से थ्रू होल जो है वो तैयार हो गया। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमको बनाना है और उसको 20 का डेप्थ देना है।
तो वापिस एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, बाद में ये सरफेस पे क्लिक कीजिए। अभी इस पे ये शेप बनाना इस एंगल में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको सीधा करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए व्यू ओरिएंटेशन और ये नॉर्मल टू को क्लिक कर दीजिए, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आप इजीली 2D ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं। बाद में रेक्टेंगल लीजिए, एरो पे क्लिक कीजिए और ये कॉर्नर रेक्टेंगल ऑप्शन लीजिए और ये फर्स्ट कॉर्नर को क्लिक कर दीजिए, नीचे आ जाइए और क्लिक कर दीजिए। बाद में इसको हमको यहाँ पे सर्कल भी चाहिए, तो आप इस सर्कल पे क्लिक कीजिए, इसके मिड पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इसके एंड पॉइंट को इसको कनेक्ट कर दीजिए और एस्केप दबा दीजिए। अभी ये लाइन हमको एज अ रेफरेंस लाइन चाहिए, तो इसको रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पे क्लिक कर दीजिए, तो ये लाइन रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये लाइन हमको ये लाइन से मैच होने वाली चाहिए, तो उसके लिए क्या कीजिए, इस लाइन को क्लिक कीजिए, बाद में कंट्रोल दबा के रखिए और इस लाइन को क्लिक कीजिए और बाद में फिर यहाँ पे आप कोइंसिडेंस ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर दीजिए, तो वो एग्जैक्टली एक लाइन में आ जाएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए। बाद में इसकी हाइट हमको देनी पड़ेगी, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 50 लंबाई उन्होंने दी है लेकिन वो टॉप लाइन से है, तो हमको एक्चुअली देनी है नीचे वाली लाइन से, इस लाइन से, तो 50 में से हमको ये 15 को माइनस करना पड़ेगा, यानी ये 35 आ जाएगा। तो वापिस स्मार्ट डायमेंशन इस लाइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 35 की लंबाई डाल दीजिए, एंटर, तो ये बन गया। बाद में ये अंदर वाला सर्कल हमको नहीं चाहिए, तो उसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा, तो ट्रिम करने के लिए यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज पे क्लिक कर दीजिए और बाद में ट्रिम टू क्लोजेट को सिलेक्ट कर लीजिए और जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो निकल जाएगा और इसको ओके कर दीजिए। बाद में वापस इसको ओके कर दीजिए और इसको ऑर्बिट कर लीजिए। वापिस ये ऑब्जेक्ट हमको अंदर चाहिए, तो इसको डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स डायरेक्शन, और इसकी जो विड्थ है वो उन्होंने 20 दी है, तो इधर जाके आप इसको 20 कर दीजिए, एंटर और ओके। बाद में इधर एक होल भी दिया है उन्होंने, तो ये होल बनाने के लिए वापिस ये होल हमको कट करना है और 32 का ये होल है, तो वापिस एक्सट्रूडेड कट ये सरफेस पे क्लिक कीजिए, बाद में वापिस सर्कल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, उस पर क्लिक करके क्लिक कर दीजिए स्मार्ट डायमेंशन, तो आप डायमीटर दीजिए 32, एंटर, बाद में ओके। सो इसने डायरेक्शन करेक्ट लिया, विड्थ भी करेक्ट ले लिया है, ओके कर दीजिए। बाद में ऐसा ही हमको अपोजिट साइड में चाहिए, तो हम मिरर का यूज कर सकते हैं, तो मिरर के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए मिरर, बाद में मिरर फेस और प्लेन, एक्चुअली हमको ये सेंटर वाला प्लेन लगेगा जिसके अराउंड ये मिरर हो जाएगा, वो सिलेक्ट करने के लिए ये एरो पे क्लिक कीजिए और वो रहेगा ये राइट वाला प्लेन, तो ये राइट प्लेन पे क्लिक कर दीजिए। बाद में फीचर्स टू मिरर के लिए हमको ये बॉस 3 को मिरर करना पड़ेगा और एक कट 3 को मिरर करना पड़ेगा, तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए आप और बाद में ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ठीक से मिरर हो गया। और अगर आपको इसको कलर वगैरह देना है कुछ, पहले इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, इधर क्लिक करके यहाँ से आप आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर दीजिए। बाद में इसको कलर देना है तो इधर एडिट अपीयरेंस पे क्लिक कर दीजिए और आपको जो भी कलर चाहिए वो क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो इसका कलर भी आपका चेंज हो गया। बाद में वापस यहाँ से हम इसको आइसोमेट्रिक कर लेंगे, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका तैयार हो गया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे।